हम संत गुरमीत राम रहीम की इंसा की बेटियां सुख देवियां बोल रहे, हमारे माँ बाप ने हमें अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी, हमारे बाप ने हमें बहुत खुशी नहीं दी, हम बहुत अच्छी जिंदगी तब से गुजार रहे, हम जब पहले जो जिंदगी में थे हमें कोई सुख नहीं, कोई खुशियाँ भी नहीं था, हमारे पिताजी ने हमें बुला के हमें बहुत खुशियाँ दी, हमें बेटियाँ बनाए और हमें माँ बाप का भी भाई बहन का भी सबका प्यार देते हैं, हमें घर का एक इज्जत से हमें एक बेटियाँ का एक सुख देवियाँ बना के एक घर पर भेजते, एक बहू बना के जो हमें कोई भी अपना बहू नहीं बनाना चाहता, अपने बेटी भी नहीं बनाना चाहते, हमें हमारे बाप ने हमारे संत गुरमीत राम रहीम इंसान ने हमें हम अपने बेटी बनाए हुए, हमें अपने हर चीज़ का खुशियों का हमें हर चीज़ का त्यौहार भी करते हैं, हम अपने बाप के खिलाफ कभी कोई चीज़ नहीं सुनना चाहते, हमारे बाप के अगर जो कोई कुछ बोलेगा तो हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है, हम अपने खून भी बहाने के लिए तैयार है, हमारे बाप के लिए जो इल्ज़ाम लगे सारे छूट लगे, जो एक सुखदेवी बेटियों को बेटी बना सकते वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, और जिन्होंने लगाए हो गए उनका भगवान कभी ना भला करे, उनको तो कीड़ियाँ लग जाए। और उनका कभी आपको पता है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानी बेशों को बेटी बनाते हैं, सुनने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन एक जीता जाता सबूत मैं हूँ मैं। और बचपन में मेरी माँ बाप मर गई और मेरी मासी ने मुझे भेज दिया, और क्या थी मेरी ज़िंदगी, नर्क थी मेरी ज़िंदगी, खिलौना था मेरी ज़िंदगी, ना मेरा भाई था ना मेरा माँ बाप था, और मैं हमेशा मैं खुदा को यही पूछते रहती थी मेरी ज़िंदगी सवार दो, और लेकिन लास्ट में संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने आकर मुझे बेटी बनाया, बेटी तो हुई तो नहीं, उन्होंने मेरी शादी भी करवाया, और उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे घर दिया कभी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्या लगते थे वो हमारे और मैं क्या लगती थी उनके, कुछ भी नहीं लगती थी कि हमारे खून की रिश्ता था जो उन्होंने मुझे बेटी बनाया। खून खोलता है हमारा जब हम अपने बाप के लिए ऐसे सुन सकते, हम नहीं डरते ऐसे समाज से, नहीं डरते हम समाज से, और हम अपने बाप के लिए एक भी खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, आप लोग भी नहीं सुन सकते अपने बाप के लिए, तो हम भी नहीं सुन सकते अपने बाप के एक भी खिलाफ और एक भी लफ्ज़ नहीं सुन सकते। शर्म आना चाहिए, आप लोगों को लालन होना चाहिए, आप एक चिट्ठी के पीछे हमारे गुरु को हमारे बाप को आप लोगों ने ऐसे वो बदनाम कर दिया, और शर्म तो नहीं है अपनी बेशियों को बेटी बनाते, आप ऐसे ऐसे बाप को आप वो लगा रहे हो, लालन लगा रहे हो, ऐसे तो कुछ भी नहीं, उन्होंने बेशियों को बेटी बनाया तो उन लोग वो कभी गलत हो नहीं सकता है, ना होएंगे।